नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लोन सैंक्शन लेटर के बारे में बताऊंगा। जब भी आप किसी बैंक से लोन लेते हैं तो वो आपको एक सैंक्शन लेटर या अरेंजमेंट लेटर की एक कॉपी देती है। आज मैं इसी के बारे में डिस्कस करूंगा कि उस सैंक्शन लेटर या अरेंजमेंट लेटर में क्या क्या ऐसी जानकारी होती है जो आपको जानना ज़रूरी है जब आप लोन लेते हैं। देखिए, सैंक्शन लेटर जनरली आपको बैंक के लेटर हेड पर मिलेगा। उसके अंदर आपको जो मेन जानकारी होगी कि आपने लोन कौन सा वाला किस टाइप का लिया हुआ है, लोन अमाउंट कितना है, इंटरेस्ट रेट कितनी है, रीपेमेंट पीरियड कितना है उसका, और उस पर प्रोसेसिंग फीस और ईएमआई जो आपको पर मंथ देनी है वो कितनी है। ये तो बेसिक डिटेल्स हो गई जो कि उसमें होती है। उसके अलावा उसके अंदर होता है कि जैसे आपने क्या कौन सी ऐसी सिक्योरिटी दी है बैंक को जिसकी वजह से उसने आपको लोन दिया है। मान के चलिए अगर आपने लिमिट ली है तो आपके करंट एसेट्स पे बैंक का हाइपोथिकेशन होगा, उसकी डिटेल होगी, या आपने कोई प्रॉपर्टी दी है बैंक को तो प्रॉपर्टी की डिटेल्स होंगी। प्री पेमेंट पेनल्टीज के बारे में जिक्र होगा कि अगर आप लोन को पहले पेमेंट कर देते हैं टाइम से पहले तो कितनी पेनल्टी लगेगी। अदर चार्जेस में जैसे सरफेसी चार्जेस आ गए, सरसई चार्जेस आ गए, आपकी जो इंस्पेक्शन चार्जेस आ गए, इस तरह के जो भी मिशनियस चार्जेस हैं वो सब आपको उसमें दिखाई देंगे। उसके बाद आपके रहेंगे कोवेनेंट्स, मतलब कुछ इम्पोर्टेंट डायरेक्शन कि उनको आपको फॉलो करना है अगर आपको ऐसे लोन, अगर आपने लोन लिया हुआ है तो। सैंक्शन लेटर कितने दिन तक वैलिड है उसकी जानकारी होती है, और जो भी ऑथराइज बैंक ऑफिसर है उसके उस पर साइन होते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी बैंक का सैंक्शन लेटर और अरेंजमेंट लेटर के अंदर क्या क्या डिटेल्स होती है। प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।